दुर्ग के कोटनी मार्ग पर स्थित कच्ची सड़क के बन जाने की मांग को लेकर दुर्ग शहर के रहवासियों ने सोमवार को जनदर्शन पहुंच जर्जर सड़क को जल्द से जल्द बनाने की मांग की। कोटनी और नेशनल हाईवे के बीच में जो एक कच्ची सड़क है, उस सड़क को बनाने के लिए हम लोग लगातार 5-6 साल से मांग करते आ रहे हैं। वहाँ पर पिपरछेड़ी, गनियारी, रसमड़ा और बहुत आसपास के गांव के साथ साथ में दुर्ग शहर के भी व्यक्ति वहाँ से अपनी निस्तार करते हैं, आना और जाना करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर सड़क बने। और हम इसके लिए 5-6 साल से प्रयास कर रहे हैं। शासन ने उसको इस्टीमेट स्वीकृत कर लिया है और शासन ने अपना वो प्रस्ताव भी रखा है, सब कुछ रखा है, पर वहाँ पर निजी भूमि का कारण बताकर के, मुआवजे का कारण बताकर के उस काम को भी प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। महोदय, जिसका वहाँ पर जगह है, निजी जगह है, वो जगह के भूमि स्वामी अपनी निजी जगह को छोड़ करके उनके द्वारा उसी सड़क में जो शासकीय भूमि को कब्जा किया हुआ है उसका वो मांग करने का एक आवेदन दिया है। हम उसको शासन को आज सौंपेंगे और मांग करते हैं कि जब इसमें कोई मुआवजा का प्रश्न नहीं है और कुछ इसमें तय नहीं है और उसमें सड़क बनाने में इतने हजारों हजारों आदमी का जो रोज निस्तार करते हैं, सब कुछ सुविधा होगी और जनहित में वो सड़क बनना जा है, हम लोग इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब बारिश होती है वहाँ तो बहुत ज़्यादा गड्ढा वगैरह हो जाता है और बहुत परेशानी हो जाती है, कई बार गिर पड़ भी गए वहाँ पे, काफ़ी लोग को नुकसान हुआ है। क्या चाहते हैं आप? तो जी बस हम चाहते हैं कि वहाँ रोड बन जाए, बहुत से लोगों का वहाँ आना जाना है। जो बघेरा से कोटनी का रोड है ना, वहाँ से ब्रह्मा कुमारी होके वो रोड गया है, 700 मीटर है वो। उसमें बनाने के लिए हम लोग कई बार सड़क मंत्री से, मंत्री महोदय से मिल चुके हैं, ओरा से मिल चुके हैं, धीरज बाकलीवाल से भी मिल चुके हैं, सबको लेटर दे चुके हैं, सभी ने बनाने का आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ है। कई बार इस्टीमेट भी बन चुका था, फिर से इस बार हुआ है ऐसा करके बता रहे हैं, 76 लाख पास हुआ है करके, फिर भी वो रोड बन नहीं पा रहा है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर निजी भूमि है इसलिए नहीं बन पा रहा है, वो अगर दान देते हैं या रजिस्ट्री कराते हैं तो बन जाएगा, ऐसा कहना है। उसके बाद भी ये हम लोग सोच रहे हैं कि बन जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों, गनियारी, पिपरछेड़ी और रसमड़ा के लोग आते जाते हैं और हम बहुत सारे कर्मचारी भी आते जाते हैं, कई लोग गिर चुके हैं वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी, इसमें आने जाने वाले करीब करीब 200-300 लोग हैं। वो भाई तो बता चुके हैं, है ना, कई नेताओं का भी हाथ है इसमें जो नहीं बन पा रहा है, कई लोग अपना अपना बताते हैं कि इस, है ना, तो उसके कारण नहीं बन पा रहा है।